तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है वेक्टर कैलकुलस का। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस के लिए जो इनिशियल जो बेसिक्स हैं वो आज मैं बताने वाला हूं, और उस बेसिक्स पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले वेक्टर कैलकुलस कहाँ से वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट होता है। देखिए, वेक्टर कैलकुलस जो इनिशियल पॉइंट है, जो चीज़ जरूरी है इस कंप्लीट वेक्टर कैलकुलस को स्टार्ट करने के लिए, वो है एक वैल्यू। कौन सी वैल्यू? डेल। तो डेल, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेल क्या चीज़ है। डेल, जिसका सिंपल नोटेशन कुछ इस तरह से, हम उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। अब ये जो डेल है, ये डेल थ्री पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, थ्री पार्ट्स में हम इसको शो कर सकते हैं। कैसे? देखिए, फर्स्ट पार्ट, इस डेल को हम कभी कभी कर्ल भी बोलते हैं, इस डेल को हम कभी कभी डाइवर्जेंस भी बोलेंगे, और इसी डेल को हम कभी ना कभी ग्रेड या ग्रेडियंट भी बोलेंगे। इन तीनों ही केस में इस डेल की वैल्यू, पहली बात, इस डेल का नोटेशन जो चेंज नहीं होगा, चाहे आप इसे कर्ल बोलिए, चाहे आप इसे डाइवर्जेंस बोलिए, और चाहे आप इसे ग्रेडियंट की फॉर्म में बोलें, इसकी वैल्यू भी कभी चेंज नहीं होगी। इसकी वैल्यू क्या है? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, एंड डेल अपॉन डेल जेड के कैप। तो इस डेल की वैल्यू भी कभी चेंज नहीं होगी, चाहे वो कोई भी केस हम कंसीडर करें। अब बात यहाँ ये आती है कि कर्ल और डाइवर्जेंस, ये दोनों कब यूज होंगे, और ग्रेडियंट किस कंडीशन में यूज होगा। हमें मालूम है कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, दो तरह की हमारे पास क्वांटिटी होती है। एक तो होगी वेक्टर क्वांटिटी और सेकंड होगी स्केलर क्वांटिटी। तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी का हमारे पास जिक्र होता है, कोई वेक्टर क्वांटिटी हमें गिवन होती है, तब उस वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम कर्ल और डाइवर्जेंस, इन दोनों में से कुछ एक या दोनों ही हम उसके लिए फाइंड कर सकते हैं। किसके लिए? वेक्टर क्वांटिटी के लिए। लेकिन अगर स्केलर क्वांटिटी हमें गिवन होगी, तब उसके लिए हम ओनली ग्रेडियंट का यूज करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अब वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, इनमें क्या डिफरेंस है? वेक्टर क्वांटिटी, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बोला भी जाता है कि जिसका रिजल्टेंट हो, जिसका मैग्नीट्यूड हो, तो वो वेक्टर होता है। जिसका मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट, जिसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड नहीं कर पाए, वो स्केलर होता है। सब कुछ छोड़ दीजिए, सिंपल सी चीज़ है, जिसके साथ आई कैप, जे कैप, के कैप लगा हो, या ओनली आई कैप हो, ओनली जे कैप हो, ओनली के कैप हो, तो वो होगी एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर आई, जे और के, इन तीनों से कुछ भी नहीं है, तो वो जो क्वांटिटी हमें गिवन होगी वो एक स्केलर क्वांटिटी गिवन होगी। ठीक है, तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को डिफर हम कैसे करेंगे? आई, जे और के की फॉर्म में हम करेंगे। तो सबसे पहली चीज, ये दोनों टर्म्स यूज होगी किस पे? वेक्टर क्वांटिटी पे। और सिंपल ग्रेडियंट जो यूज होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी पे। क्लियर है? अब वेक्टर क्वांटिटी पर ये दोनों वैल्यूज और स्केलर पर ये। दूसरी चीज, कर्ल को हम क्या शो कर सकते हैं? हम कर्ल को क्रॉस के थ्रू भी शो कर सकते हैं, और डाइवर्जेंस को हम डॉट के थ्रू भी शो कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में क्रॉस गिवन है किसी दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में, क्योंकि डेल तो क्या है? डेल तो वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसको डेल वेक्टर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, आई, जे और के आर है। तो कर्ल किसका पार्ट है? डेल का, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये किसके साथ यूज होगा? वेक्टर के साथ यूज होगा। तो दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में अगर क्रॉस गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि हमें वहां कर्ल फाइंड आउट करना है। वैसे ही दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में अगर डॉट गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि हमें उसके लिए डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है। अब ग्रेडियंट तो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन उसके साथ अगर स्केलर है, तो स्केलर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो वहाँ ओनली ग्रेडियंट ही लिखा होगा, क्रॉस और डॉट कुछ भी नहीं होगा, ग्रेडियंट ही होगा। अगर नहीं भी होगा और स्केलर क्वांटिटी गिवन है, तब हमें मालूम है कि एक ही चीज़ है स्केलर पर जो यूज़ हो सकती है, वो है ग्रेडियंट। अब बात करते हैं ये तीनों यूज़ कैसे होते हैं, इन तीनों को यूज हम कैसे कर सकते हैं वेक्टर और स्केलर पे। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो क्वांटिटी ले लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल के फॉर्म में, एक वेक्टर क्वांटिटी
और एक स्केलर क्वांटिटी। तो मैं इन दो इसकी स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटी हमने तरफ से एक एज्यूम कर लेता हूं। तो कर तो देखिए स्टूडेंट्स, दो क्वांटिटी जैसे कि मैंने कहा था, एक वेक्टर और एक स्केलर, हम दो क्वांटिटी एज्यूम कर लेते हैं। और आपको भी मालूम है कि यहाँ आई जे और के नहीं है, तो इसको एक स्केलर क्वांटिटी से शो कर दिया, और ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें आई जे और के है। वैसे तो ये जो वैल्यू है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है आर वेक्टर की। आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई वाई जेड के। आर वेक्टर की वैल्यू, आर वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, हम आर वेक्टर को दो अदर वर्ड से भी बोल सकते हैं। आर वेक्टर को हम कह सकते हैं पोजिशन वैक्टर, और आर वैक्टर को हम बोलते हैं रेडियस वैक्टर। किसी भी कर्व का रेडियस वैक्टर आर वैक्टर होगा, और आर वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर भी होता है। पोजीशन वेक्टर क्यों, आर वेक्टर को पोजीशन वेक्टर क्यों बोला जाता है, इसके लिए बता देता हूं। जब 3D में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, 3D में कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है कंप्लीट, तो जब उसकी हम पोजीशंस चेक करते हैं, पोजीशन कहां से चेक करेंगे, हमेशा हम हमेशा ओरिजिन से उसकी पोजीशन चेक करेंगे। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन कैसे पता चलेगी, सपोज करो हमने क्या किया, अगर मैं किसी के बारे में सिंपल सा ये बोलता हूँ कि किसी पर्सन को एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए 5 सेकंड का टाइम पीरियड उसको लगता है, तो ये जो 5 सेकंड हमने फाइंड किए, ये कैसे पता चला, हमने कैसे कैलकुलेट किया कि उसको 5 सेकंड का टाइम लगा, हमने तभी हमें ये पता चला जब हमने हमारी इनिशियल वॉच टाइमिंग जो है, जो इनिशियली उसको हमने 0 पे सेट किया, यानी हमने हमने उसकी पोजीशन को चेक करने के लिए हमने क्या मान लिया, इनिशियली हमने उस टाइम पीरियड को 0 माना, तभी तो हमें पता चला कि एक टाइम हमने फिक्स कर लिया कि इस टाइम से उसने चलना स्टार्ट किया और इतनी देर में जाकर के वो वहाँ रुका, तो वो इनिशियल टाइम हमारे लिए क्या हुआ, 0, तभी तो 5 सेकंड निकल के आया। तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन चेक करने के लिए जो उसका इनिशियल पॉइंट है, कहाँ से हम पोजीशन चेक करते हैं, वो हमेशा करते हैं ओरिजिन से। तो जब ओरिजिन से करेंगे तो ओरिजिन हमें मालूम है क्या होगा, 0 0 0, और ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगी, जिसको हम रेडियस वेक्टर आर वेक्टर बोलते हैं, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन क्या होती है, जो वेक्टर मूव कर रहा है, जो पॉइंट मूव कर रहा है या जो पार्टिकल मूव कर रहा है, वो माइनस फिक्स पॉइंट इंटू आई कैप प्लस वाई माइनस जीरो जे कैप प्लस जेड माइनस जीरो के कैप, यानी वेरिएबल पॉइंट और फिक्स पॉइंट दो पॉइंट्स गिवन है, तो हमेशा वेरिएबल माइनस फिक्स आई कैप, वेरिएबल माइनस फिक्स जे कैप, वेरिएबल माइनस फिक्स के कैप। तो इस तरह से आर वेक्टर की वैल्यू हमें मिली, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और ये आर वेक्टर आपको याद भी रहना चाहिए क्योंकि आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर है, क्लियर है। अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में ओनली आर वेक्टर गिवन होगा तो उसके लिए यही वैल्यू आपको पुट करनी है, इसके अलावा कभी भी कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो। वो अलग बात है कि क्वेश्चन में कभी कभी आर वेक्टर की वैल्यू चेंज कर दें, लेकिन हमें अपनी तरफ से चेंज नहीं करनी है जब तक क्वेश्चन में चेंज करके हमें गिवन नहीं हो, ठीक है। तो आर वेक्टर और फाई, ये दो हमने वैल्यूज फाइंड कर ली, शो कर ली, अज्यूम कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, जो डेल है उसको हमने प्रोसेस चेक करना है कि इन तीनों के प्रोसेस कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं डाइवर्जेंस की बात करूँ तो आपको मालूम है डाइवर्जेंस इन दोनों में से हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं, मैंने बताया था डाइवर्जेंस और कर्ल सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी पे हम अप्लाई करेंगे। तो इन दोनों में वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, इक्वेशन नंबर वन है। तो इक्वेशन वन के अकॉर्डिंग अगर मैं डाइवर्जेंस आर वेक्टर की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, डेल डॉट आर, डॉट का मतलब डाइवर्जेंस ही हुआ और डाइवर्जेंस का मतलब डॉट हुआ, तो दोनों एक ही चीज है। डेल डॉट आर आपको गिवन हो तो आप डाइवर्जेंस आर लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस आर गिवन हो तो डेल डॉट आर गिवन। अब डेल की वैल्यू वही जो मैंने स्टार्टिंग बताई थी, हमेशा वही रहेगी, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और डॉट आर वेक्टर, आर वेक्टर में मालूम है, वैसे भी मालूम है हमें तो एक्स आई वाई जे जेड के, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब ये डॉट प्रोडक्ट भी हमें मालूम है कि आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, आपने 11th 12th में ये सबसे क्लियर है किया ही होगा। तो आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, इसके अलावा जो ऑपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो या डज नॉट एग्जिस्ट। तो आई डॉट आई वन तो क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, आई डॉट आई तो हो गया वन, इन दोनों के कोफिशियंट का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस जे डॉट जे वन डेल अपॉन डेल वाई का वाई के साथ, और के डॉट के वन डेल अपॉन डेल जेड का जेड के रिस्पेक्ट। तो क्या हो गया, देखिए एक्स के एक्स रिस्पेक्ट पास्ट डेरिवेटिव वन, वाई के वाई रिस्पेक्ट वन, जेड का जेड रिस्पेक्ट वन, दैट इज थ्री, वन प्लस वन प्लस वन थ्री।
अब इससे एक चीज और हमें क्लियर हो रही है, क्या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी पर डाइवर्जेंस अप्लाई हम करें तो जो हमारा आंसर होगा वो विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी पर डाइवर्जेंस अप्लाई होने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या डेल क्रॉस आर, क्रॉस का मतलब कर्ल आर, और कर्ल को आर के साथ ही क्यों लिया, क्योंकि डाइवर्जेंस और कर्ल ये दो चीजें हैं जो वेक्टर पर यूज होगी। चाहे तो आप क्रॉस से शो कर सकते हो या कर्ल आर भी लिखा जाएगा, तब भी डेल क्रॉस आर की बात होगी। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो सोल्व करने के लिए वही बेसिक्स हमारा, हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे बाय डिटर्मिनेंट, और हम यहां लिखते हैं क्या आई कैप जे कैप के कैप। अब डेल की वैल्यू वही, क्या डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन वाई डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और आर वेक्टर के लिए एक्स आई, तो आई के लिए एक्स, जे के लिए वाई और k के लिए z। क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सिंपल दो कर लेते हैं हम इसको। क्या होगा डेल अपॉन डेल वाई इंटू जेड, तो डेल अपॉन डेल वाई इंटू जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड इंटू वाई प्लस j कैप, मैं यहाँ पॉजिटिव j कैप ले रहा हूँ। अगर आप नेगेटिव ले रहे हैं तो आपको पहले ये मल्टीप्लाई करना होगा, अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो पहले मैं ये मल्टीप्लाई करूँ। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव आप कुछ भी ले सकते हो, बस आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो डेल अप, जब मैंने पॉजिटिव जे लिया तो मैं पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगा, डेल अपॉन डेल जेड इंटू एक्स माइनस डेल अपॉन डेल एक्स इंटू जेड एन प्लस के कैप, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू वाई प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू एक्स। क्लियर है? अब इन सब का जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे वन बाय वन, पार्शियल डेरिवेटिव में मालूम है जेड का वाई के रिस्पेक्ट जीरो होगा, पार्शियल डेरिवेटिव है। अगर कंप्लीट डेरिवेटिव होता तो इसका आंसर होता डी जेड बाय डी वाई, लेकिन ये पार्शियल है, पार्शियल में जिसके रिस्पेक्ट हो रहा है सिर्फ वही वेरिएबल, बाकी सब कॉन्स्टेंट है, जीरो 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 जीरो, तो आंसर क्या आ गया जीरो। लेकिन लेकिन हमें ये मालूम है किसी भी वैक्टर पर जब कर्ल अप्लाई होगा तो जो हमारा आंसर आएगा वो वेक्टर की फॉर्म में आएगा, इसलिए जीरो वेक्टर। हालांकि इस जीरो का फर्क नहीं पड़ता चाहे वो वेक्टर हो या नहीं, लेकिन आंसर को देखते हुए या इस चीज को माइंड में रखते हुए कि कर्ल जब भी वेक्टर पर अप्लाई होगा तो आंसर की जो फॉर्म होगी वो भी वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म होगी, इसलिए इसको मैंने जीरो वेक्टर से शो किया। अब हम बात करते हैं स्केलर की, और स्केलर पर ग्रेडियंट कैसे यूज होगा, कैसे सॉल्व होगा वो देख लीजिए। तो जब हम ग्रेडियंट की बात करते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं ग्रेट फाई, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, बीच में ना तो डॉट है ना क्रॉस है, इसका मतलब ये होगा कि ये ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां पे हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही होगी, यहां कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती क्योंकि ना तो डॉट है और ना ही क्रॉस है। क्लियर है? अब स्केलर क्वांटिटी मैंने इसको अज्यूम किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, दोनों की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं। डेल हमें मालूम है वही डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं यहाँ फाई की वैल्यू रिप्लेस कर दूँ तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होगा, क्या लेंदी होगा, चलो मैं दोनों तरीके से करवा देता हूँ। फाई की वैल्यू हमारे पास ये, अब एक्चुअल में होता क्या है, ग्रेडियंट के साथ कोई भी स्केलर क्वांटिटी हमें हमारे पास होगी तो कंप्लीट स्केलर क्वांटिटी का इन तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में ना तो कर्ल है, क्रॉस भी नहीं है, डॉट भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंप्लीट इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन में, तो ये तीनों वैल्यूज वन बाय वन इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई में शो होंगी। और कैसे शो होंगी, कुछ इस तरह से शो होंगी, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी, और लास्ट डेल अपॉन डेल जेड के साथ भी। अब क्या करना है, इसका कंप्लीट का एक्स रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव है, वाई और जेड कांस्टेंट जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, सिमिलरली वाई का वाई के रिस्पेक्ट सिर्फ वही रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट जीरो, और जेड का जेड के रिस्पेक्ट टू जेड, तो बाकी दोनों कांस्टेंट है जीरो। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया,
टू आर वेक्टर लिख सकते हैं हम, टू कॉमन आ गया, बाकी क्या रहेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हमेशा आर वेक्टर की वैल्यू होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं टू आर वेक्टर। ये भी सही है, ओनली टू कॉमन लो तब भी सही है, आर वेक्टर लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो एक्स वाई जेड में शो करो तब भी सही है। अब देखो इसका जो शॉर्ट मेथड है वो क्या है, शॉर्ट मेथड ये है कि इस फाई की वैल्यू को मैं रिप्लेस नहीं करके अगर ओनली यहां फाई शो कर दूं तब भी करेंगे क्या, इसका मल्टीप्लिकेशन भी तो ही है इस सब के साथ, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सब के साथ, तो सबका मल्टीप्लिकेशन जब इसके साथ होगा तो देखो वैल्यू क्या लिखे जाएंगे, अब तभी लिखी जाएगी डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, तब हम ये वैल्यू लिखेंगे क्योंकि फाई का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गए। अब फाई हमें मालूम है ये है, अब ये क्लियरली श्योर है, इसका किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन है एक्स रिस्पेक्ट, तो इसका एक्स रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो आपका ये काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा इतना लेंथी काम करने की बजाय, तीन तीन वैल्यू हम और वो भी तीन तीन वैल्यूज को 3 times हम लिख रहे हैं, इसकी जगह हम फाई को फाई रहने दो, उसको पार्शियल डेरिवेटिव कर लो पहले, उसके बाद जो आएगा आंसर उसको हम शो कर देंगे, तो ये थोड़ा सा इजी मेथड भी है। तो क्लियर है स्टूडेंट, बेसिक्स कर्ल डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट हमें कैसे लेना है और कैसे कैसे वो चीज़ अप्लाई होती है, किस किस क्वांटिटीज पे क्या क्या अप्लाई होता है और उसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है, तो ये है कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस के बारे में, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इससे रिगार्डिंग और जो हमें जल्दी से क्लियर भी हो जाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक हमने 12th में 11th में पहले से पढ़ा हुआ है, तो ग्रेजुएशन में जब हम आकर किसको पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा टफ नहीं लगता क्योंकि हम इसको पहले से कर चुके हैं, तो जल्दी से हम इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते। तो आज ये दो क्वेश्चंस जिसको हम सोल्व करने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट डेल ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर की पावर एन इक्वल्स टू ए अपॉन आर की पावर एन माइनस एन अपॉन आर एन प्लस टू ए डॉट आर इंटू आर, और सेकंड है फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेसेस, दो सरफेस हमें गिवन है, इन दोनों के सरफेस के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पे 2-1 2 पर। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, देखिए अब डेल ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर की पावर एन, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम चल रहे हैं, राइट हैंड साइड को हम प्रूव करेंगे। अब कुछ एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है तो वो कुछ इस तरह से भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं हो कि आपको यहां वेक्टर गिवन हो, क्या कोई जरूरी है यहां वेक्टर गिवन है, ये अंडरस्टूड भी है। यहां पर देखिए क्या है डॉट, डॉट का मतलब डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस किस पे अप्लाई होगा दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में, तो इस डाइवर्जेंस का मतलब ये अपने आप में ये कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ये कोई स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं, तो चाहे तो यहाँ पे वेक्टर शो हो या नहीं हो लेकिन ये दोनों वेक्टर ही रहेंगे। अब यहाँ वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ना तो ए वेक्टर की और ना आर वेक्टर की, तब हम क्या करते हैं हम एज्यूम कर लेते हैं आर वेक्टर की वैल्यूज तो सबको मालूम है, आर वेक्टर तो कभी भी चेंज नहीं होगा, आर वेक्टर की वैल्यू हमेशा वही होगी, तो लिखते हैं वी नो दैट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई वाई जे एंड जेड के, आर वेक्टर है, एंड आल्सो क्या लेट किसकी वैल्यू हमें अज्यूम करनी होगी जो वैल्यू हमें गिवन नहीं है ए वेक्टर की, तो ए वेक्टर को कैसे अज्यूम करेंगे, कभी भी कोई भी वैल्यू वेक्टर की फॉर्म में हमें गिवन है, लेकिन कोई भी चीज कोई भी कॉन्स्टेंट या कुछ भी वट एवर वैक्टर की फॉर्म में हमें गिवन है लेकिन उसकी वैल्यू गिवन नहीं है, तब हम उस वैक्टर को 3 parts में सब पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, अगर ए वैक्टर है तो a1 a2 a3, बी वैक्टर है b1 b2 b3, वी वैक्टर है तो v1 v2 v3, तो यहाँ a वैक्टर है हम इसको 3 sub parts में डिवाइड कर लेते हैं a1i a2j a3k, क्लियर है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है ए डॉट आर, तो ए डॉट आर हम फाइंड कर लें, तो ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं एक्स ए वन वाई ए टू जेड ए थ्री, चाहे तो आप ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री जेड भी लिख सकते हो, दो डॉट प्रोडक्ट है, अगर ए डॉट आर है तो मैंने ए को पहले रखो और आर को बाद में रखा, चाहे तो आप आर डॉट ए कर लीजिए एक ही बात है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है ए डॉट आर तो ए डॉट आर एन दीजिए, आप इसको ए वन ए टू ए थ्री पहले भी लिख सकते हैं, तो चलो मैं पहले क्योंकि ए पहले तो हम इसको पहले लिख देते हैं कोई इशू नहीं है, तो ए वन एक्स
ए टू वाई, ए थ्री जेड, ठीक है। अब आर की पावर एन ये क्या चीज है, आर की पावर एन हमें कहां से मिलेगी, आर वेक्टर तो हमारे पास है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, लेकिन आर की पावर एन की वैल्यू क्या होगी, देखो आर वेक्टर का, आर की पावर एन होने से पहले हमारे पास आर वेक्टर की वैल्यू, आर की वैल्यू होना जरूरी है। आर की वैल्यू आर वेक्टर से डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, क्योंकि आर वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी है और आर आर वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी और आर एक स्केलर क्वांटिटी, तो ये आर और ये आर इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना विदाउट वेक्टर के, कहीं ये मैं सोच रहा ना कि वो आर स्केलर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट मैंने बताया था, बट अगर आर की बात करूँ मैं तो ये स्केलर है। और ये स्केलर कैसे है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अगर हम ले लें तो वो स्केलर में चेंज हो जाता है। कैसे, आर वेक्टर हमारे पास है ये एक्स आई वाई जे जेड के, तो इसका जब मैं मैग्नीट्यूड ले लूँगा, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तब ले सकते हैं जब उसके आई कैप जे कैप के कैप हो और उसका फार्मूला इन आई जे और के कैप के कोफिशियंट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो वो क्या हो गया, स्केलर में चेंज हो गया ना, ये आर वेक्टर से स्केलर में चेंज हो गया, इसीलिए यहां वेक्टर का साइन हट गया। तो आर की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड की पावर 1/2, और आर की पावर एन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एन बाई टू। अगर आर इसकी पावर 1/2 है तो आर की पावर एन इसकी एन बाई टू होगी, लेकिन हमें आर की पावर एन को आर की पावर एन ही रहने देना है, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया था, इससे पहले जो एग्जांपल लिया था फाई को फाई रखेंगे तो जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा, अगर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सारी वैल्यूज यहाँ इस लेफ्ट हैंड साइड में पुट करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड डेल ए वन एक्स ए टू वाई ए थ्री जेड अपॉन आर की पावर एन, ये लिख सकते हैं हम डेल कम तो ग्रेडियंट। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा, डेल तो हमें मालूम है, डेल क्या होगा, डेल की वैल्यू तो सभी को मालूम है, अब डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये तो होगी डेल की वैल्यू। इसके साथ मैं ये लिख सकता हूं ए वन अपॉन आर की पावर एन एक्स, ए टू अपॉन आर की पावर एन ए टू वाई अपॉन आर की पावर एन, और ए थ्री जेड अपॉन आर की पावर एन, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना, कोई इशू थोड़े, इसको इन सभी के साथ इंडिविजुअली हम डिनोमिनेटर में शो कर सकते हैं। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन है 1/1 इससे, तो देखिए डेल अपॉन डेल एक्स, या तो मैं इस सभी को इन तीनों टर्म्स को इसके साथ भी शो करूं मल्टीप्लिकेशन में, इसके साथ भी शो करूं, इसके साथ भी शो करूं, अगर इतना लेंथी नहीं करना है तो मैं एक सिंपल सा साइन यहां लगा देता हूं और वो लगा देता हूं समेशन। समेशन का मतलब ये होगा कि हम फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करेंगे, उसे सोल्व करेंगे, जो लास्ट में आंसर आएगा उसके बिहाफ पर सेकेंड और थर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग हम सीरीज की फॉर्म में से शो कर देंगे। देखिए जरा कैसे, डेल अपॉन डेल एक्स और इसके साथ सभी जो वैल्यूज हैं वो लिख देते हैं, ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री जेड अपॉन आर की पावर एन। चाहो तो आप इसको वापस ये लिख सकते हो और साथ में आई कैप, क्लियर। ओनली डेल अपॉन डेल एक्स के साथ एक ही वैल्यू मैंने कंसीडर कर ली, इन दोनों को हमने हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि मैंने समेशन लगा दिया, एक ही बात है, जब सम हटेगा समेशन हटेगा, जिसका मतलब ये होता है एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, वैसे ही आई, आई के बाद जे, जे के बाद के। तो आप देखिए इन सभी का एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव है, क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन इस कंप्लीट का यू अपॉन वी से करें, या यू अपॉन वी नहीं करना तो हम ये भी कर सकते हैं, समेशन ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री जेड इंटू आर की पावर माइनस एन। अब क्या हो गया, यू इंटू वी हो गया, यू अपॉन वी की जगह,
जो थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए, तो जो इजी है वो करेंगे, टफ काम नहीं करना। तो u इंटू वी, तो सबसे पहले u का कर लें x के रिस्पेक्ट, v एज इट इज। तो जब u का करेंगे कंप्लीट का, इसका किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, तो क्या आएगा a1, a1 ही तो आएगा, y कॉन्स्टेंट जीरो, z x के लिए कॉन्स्टेंट जीरो, r की पावर n, r की पावर माइनस n, वैसा का वैसा, फिर प्लस ये एज इट इज, a1x प्लस a2y प्लस a3z, और r की पावर माइनस n का पार्शियल डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट क्या होगा माइनस n, r की पावर माइनस n माइनस 1, और कुछ r का भी तो होगा किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, वो कितना हो जाएगा डेल r अपॉन डेल x, और साथ में i कैप, तो i कैप। पार्शियल डेरिवेटिव क्लियर है u इंटू वी से, इस कंप्लीट का किया x रिस्पेक्ट, तो a1x का a1, बाकी सब कांस्टेंट जीरो, और r की पावर माइनस n, वैसा का वैसा, फिर प्लस u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस n, r की पावर माइनस n माइनस 1, लेकिन r का भी तो x रिस्पेक्ट होगा, क्यों नहीं होगा, r का x रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव तो होगा, क्यों, क्योंकि r इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, r क्या है, r एक फंक्शन है किसका, एक्स वाई और जेड का, अगर आर एक्स वाई जेड का फंक्शन है देन आर विल बी डिफरेंशियबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, तो आर क्या होगा एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट डिफरेंशियबल भी तो होगा, ठीक है। तो अब जब इन सब की वैल्यूज हम शो करें, तो देखो क्या वैल्यूज हम शो कर सकते हैं, समेशन ए वन आर की पावर माइनस है प्लस माइनस एन है, इसको मैं पहले लिख देता हूं यहां पे, तो नेगेटिव एन मल्टीप्लिकेशन में ए वन एक्स ए टू वाई ए थ्री जेड एज इट इज, आर की पावर माइनस एन माइनस वन भी एज इट इज। अब बात करते हैं डेल आर अपॉन डेल एक्स की, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन आर इंटू आई कैप, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर कैसी हो गई, कहां से आई ये वैल्यू डेल आर अपॉन डेल एक्स की, हमें ये मालूम है क्या, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने लिया था कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, जब मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा तो ये पावर 1 हो जाएगी, जब मैं इसका एक्स रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करूं तो कितना आएगा 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना बचा x अपॉन r, इसलिए x अपॉन r, जब इसका y के रिस्पेक्ट करेंगे तो y अपॉन r आएगा, जब इसका z के रिस्पेक्ट करेंगे तो z अपॉन r आएगा, तो सिमिलरली हमने यहां वैल्यू पुट कर दी x अपॉन r। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, जरा a1 r की पावर माइनस n माइनस n इंटू एक्स a1x प्लस a2y प्लस a3z, r की पावर माइनस n माइनस 1 तो था ही, लेकिन r की पावर एक और ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, r की पावर माइनस 1 और माइनस 1 तो ये है ऑलरेडी, तो माइनस 2 हो जाएगी इंटू आई कैप, क्लियर है, r की पावर 1 अपॉन r ऊपर जाएगा तो r इनवर्स हो जाएगा, ऑलरेडी नेगेटिव 1 तो पावर एक तो है ही, एक इनवर्स और हो गया तो माइनस 2 हो जाएगी पावर। तो ये तो है समेशन जब हमने लगाया, अब देखिए जरा जब मैं समेशन को यहाँ से हटा दूंगा, या समेशन को हटाने से पहले जैसा कि हमें आंसर में चाहिए उस फॉर्म में मैं इसको ले आता हूँ, देखिए जरा क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ए वन अपॉन आर की पावर एन माइनस एन अपॉन, ये अपॉन में आकर जो है पॉजिटिव हो जाएगा, आर की पावर एन प्लस टू इंटू एक्स और ब्रैकेट में ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री जेड आई कैप, ऐसा कुछ होगा। अब देखिए जब मैं यहां से समेशन को हटा दूंगा तो इसके बाद इसी तरह के दो स्टेप और आएंगे, क्या आएगा, पहले इस फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है, आई को मैं दोनों से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, फर्स्ट स्टेप क्या है, ए वन अपॉन आर की पावर एन आई कैप,
सिमिलरली सेकेंड स्टेप क्या आएगा, सेकेंड स्टेप आएगा ए टू अपॉन आर की पावर एन जे कैप, एंड थर्ड स्टेप होगा जेड के लिए ए थ्री आर की पावर एन के कैप। समेशन के लिए फर्स्ट स्टेप हमारे पास है ए वन अपॉन आर की पावर एन आई कैप, जब ये समेशन यहाँ से हट जाएगा तो इसी का सेकेंड फॉर्म क्या आएगी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ए टू अपॉन आर की पावर एन जे कैप, और थर्ड वैल्यूज आएगी यहाँ की जगह जो इसके आगे लिखी जाएगी ए थ्री अपॉन आर की पावर एन के कैप, क्योंकि ये टर्म्स एक्स के लिए, जब समेशन हटेगा तो टर्म्स वाई के लिए भी आएगी जेड के लिए भी आएगी, तो जब वाई के लिए आएगी तो वाई के साथ जो ब्रैकेट स्टार्ट होगा ये ब्रैकेट की पहली वैल्यू वहाँ मिलेगी आपको ए टू अपॉन आर की पावर एन जे कैप, और जेड के लिए ब्रैकेट्स की पहली वैल्यू मिलेगी आपको ए थ्री अपॉन आर की पावर एन के कैप। अब देखो वन अपॉन आर की पावर एन तो कॉमन है, क्या बचा ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के हमने किसको एज्यूम किया था ए वेक्टर को, तो ये क्या बन गया सभी को मिला के ए वेक्टर अपॉन आर की पावर एन जो कि हमारे पास है। तो मैं भी इस समेशन को जब बताऊंगा तो पहला स्टेप लिख सकता हूँ ए अपॉन आर की पावर एन, तो लिख देते हैं जब समेशन हम यहाँ से हटा दें ए अपॉन आर की पावर एन। अब यहाँ आ जाते हैं एन अपॉन आर की पावर एन प्लस टू, ये तो हमें मिलेगा मिलेगा, ये भी स्टेप हमें मिलेगा क्योंकि एक्स वाई जेड जिसमें आ रहे हैं तो सेकेंड वाले में भी एक्स वाई जेड आएगा, थर्ड में भी एक्स वाई जेड आएगा, इसमें एन अपॉन आर की पावर एन प्लस टू है तो सेकेंड के लिए भी कॉन्स्टेंट और आर तो सेम कंसिडर होंगे, लेकिन जो चीज़ नहीं कंसिडर होगी यहाँ एक्स आई है, चेंज क्या आएगा यहाँ आएगा, सेकेंड स्टेप में ये भी मिलेगा लेकिन यहाँ वाई जे हो जाएगा, और थर्ड में यहाँ जेड के हो जाएगा, तो क्या आएगा एन अपॉन आर की पावर एन प्लस टू तीनों स्टेप में आएगा, तो तीनों से ये कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट भी तीनों स्टेप में आएगा तो इसको भी मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब जो कॉमन नहीं आएगा वो क्या आएगा एक्स आई समेशन फर्स्ट के लिए एक्स के लिए, समेशन को हटाने के बाद वाई और जे, और थर्ड स्टेप आएगा जेड और के जो कि मैं यहां लिख देता हूं एक्स आई वाई जे जेड के, ये मैंने यहां लिख दिया। अब देखो ए अपॉन आर की पावर एन ये हमें ऑलरेडी मिल गया, एन अपॉन आर की पावर एन प्लस टू ये भी हमारे पास है, ये क्या ए डॉट आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, चेक कर लो ए डॉट आर करेंगे तो यही आएगा, तो ये ए डॉट आर हो गया, और ये क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के जो क्या होता है आर वेक्टर होता है विच इज द राइट हैंड साइड। अगर आपको ऐसे समेशन का समझ में नहीं आ रहा और आप लेंथी पार्ट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, जिसका मैंने एक्स रिस्पेक्ट किया है नेक्स्ट स्टेप लेके चलना डेल अपॉन डेल वाई, ये फिर से सबके साथ मल्टीप्लिकेशन जे कैप और फिर डेल अपॉन डेल जेड, ये तीनों वैल्यू फिर और के कैप, थोड़ा सा लेंथी आपका स्टेप्स हो जाएंगे, मिस्टेक के चांसेस भी हैं लेकिन आएगा तो यही क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है, कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, और कोई मिस्टेक हो तब भी। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेसेस, और सरफेसेस हमें गिवन है दो सरफेस हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो एंड जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो एट पॉइंट टू माइनस वन टू। अब स्टूडेंट्स दो सरफेस के बीच का एंगल हमें चाहिए, दो सरफेस के बिटवीन एंगल हमें चाहिए, तो हमें हमारे फार्मूला होता है हमारे पास क्या एंगल बिटवीन टू सरफेसेस, तो फार्मूला नोट कर लीजिए डेल फाई वन डॉट डेल फाई टू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई वन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई टू, ये फार्मूला होता है। हमें तो एंगल चाहिए, एंगल यानी थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी इस फार्मूले से। अब ये फाई वन फाई टू कहाँ से आए, तो फाई वन फाई टू कहाँ से नहीं, जो हमें सरफेस गिवन है वहीं से आए, क्यों, क्योंकि ये देखो दोनों स्केलर क्वांटिटी है और स्टैंडर्ड फॉर्म में स्केलर क्वांटिटी को फाई से शो किया जाता है, तो इसको मैं ले लेता हूँ फर्स्ट सरफेस एज ए फाई वन और इसको मैं ले लेता हूँ सेकेंड सरफेस एज ए फाई टू, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, तो कर लेते हैं हम
ये मेथड, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको लास्ट में फिर शो कर दूंगा। एक बार मैं यहां से हटा रहा हूं इसको। तो लिखते हैं हम क्या, लेट फाइव वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो है, तो उसको भी जीरो इक्वल में लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे ट्रिपल आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट का साइन आ जाएगा, तब आप इक्वल टू जीरो लिख सकते हो। अगर नहीं तो फाइव वन के अकॉर्डिंग हमने एज्यूम कर लिया, तो इसको एज इट इज एंड दो। एंड फाइव टू के इक्वल में हम एज्यूम कर लेते हैं जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस थ्री, ये दो सरफेस हमने एज्यूम कर लिए। अब जैसा कि फार्मूला था हमारे पास, उसमें आपको क्लियरली शो रहा था डेल फाइव वन, डेल फाइव वन का मतलब ये होगा ग्रेड फाइव वन, क्योंकि स्केलर है वैसे भी, और स्केलर पे क्या यूज होता है, ग्रेडियंट होता है। तो हम क्या करते हैं, डेल फाइव वन और डेल फाइव टू की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डेल फाइव वन क्या हो जाएगा इसके लिए, डेल का मतलब ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, साथ में फाइव वन। और फाइव वन क्या होगा, इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। जब फाइव वन इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस तरह से शो होगा, यहाँ पे भी फाइव वन आ जाएगा, यहाँ भी फाइव वन होगा और यहाँ भी फाइव वन होगा। अब अल्टीमेटली हो क्या है, इस फाइव वन का यानी इस वैल्यूज का कंप्लीट का एक्स रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, इस कंप्लीट का वाई के रिस्पेक्ट भी करना है और इसी का जेड के रिस्पेक्ट भी करना है। तो सबसे पहले इसका जब एक्स रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, क्लियरली हमें पता चल रहा है टू एक्स आएगा, एक्स रिस्पेक्ट वाई और जेड कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएंगे, और साथ में क्या आई कैप, तो आई कैप, फिर y के रिस्पेक्ट करूँ तो 2y और z के रिस्पेक्ट करूँगा तो 2z, तो 2y j कैप और 2z k कैप। सिमिलरली डेल फाइ टू, डेल फाइ टू के लिए यानी इसका फिर से कंप्लीट का x के रिस्पेक्ट जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करूँगा तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो माइनस का 2x i कैप, y के रिस्पेक्ट करूँगा तो माइनस का 2y j कैप, और जब जेड रिस्पेक्ट करूंगा तो वन के कैप, तो ओनली के कैप। तो ये वैल्यूज आ गई डेल फाइव वन की और डेल फाइव वन और डेल फाइव टू की। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इन दोनों के बीच का सरफेस तो फाइंड करना है, लेकिन किस पॉइंट पे, टू माइनस वन टू पर। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ही टू माइनस वन टू इसमें सेटिस्फाई करवा लेते हैं ताकि थोड़ा सा काम हमारे लिए ईजी हो जाए, लास्ट में भी कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा एक्स वाई जेड की फॉर्म में, तब आप टू माइनस वन टू पुट करोगे, लेकिन हम पहले कर लेते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई जेड यहाँ से हट जाएंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। देखो कैसे, तो सबसे पहले डेल फाइव वन एट पॉइंट टू माइनस वन टू, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की जगह टू, वाई की जगह नेगेटिव वन, जेड की जगह टू, तो यहां हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स की जगह टू, वाई की जगह नेगेटिव वन और जेड की जगह टू, तो देखिए क्या आ जाएगा, फोर आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप। सिमिलरली डेल फाइव टू एट पॉइंट टू माइनस वन टू, तो एक्स की जगह टू तो कितना होगा, माइनस का फोर आई कैप, वाई की जगह नेगेटिव वन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव टू जे कैप, और जेड की जगह टू, लेकिन यहाँ जेड नहीं है, यहाँ के है, जल्दबाजी में स्टूडेंट यहाँ टू के कर देते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ टू के नहीं आएगा, ओनली के होगा, क्योंकि यहाँ जेड नहीं है, टू रिप्लेस ही नहीं होगा कहीं, क्लियर है। नाउ क्या एंगल बिटवीन द टू सरफेसेस, सो बाय द फार्मूला ऑफ एंगल बिटवीन द टू सरफेसेस वी नो दैट कोस थीटा इज इक्वल्स टू डेल फाइव वन डॉट डेल फाइव टू, तो डेल फाइव वन इज फोर आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप डॉट डेल फाइव टू माइनस फोर आई कैप प्लस टू जे कैप एंड प्लस के कैप डिवाइडेड बाय क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाइव वन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाइव टू, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई जे के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो इसका क्या होगा 16 प्लस 4 प्लस 16 एंड इसका मैग्नीट्यूड 16 प्लस 4 प्लस 1, तो क्या होगा, और साथ में ये क्या होता है, यह मोड ऑफ होता है, ठीक है, तो क्या हो गया, कोस थीटा इज इक्वल टू आई डॉट आई वन फोर इंटू माइनस फोर, तो माइनस का 16
माइनस टू और प्लस टू तो माइनस का फोर, जे डॉट जे तो वन हो गया, डॉट प्रोडक्ट है बीच में, फोर एंड वन तो फोर, डिवाइडेड बाय 16 एंड 16 32, 32 एंड 4 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, 16 एंड 4 20, 20 एंड 1 21, तो रूट ऑफ 21 क्या आ गया, कोस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 16, तो माइनस का हटाई दें क्योंकि मोड ऑफ है, अपॉन 6 रूट ऑफ 21, या आप इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हो, 16 अपॉन 6 रूट 21 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 8/3, तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू 8/3 रूट ऑफ 21, और थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 8/3 रूट ऑफ 21, तो ये आ गया एंगल बिटवीन द टू सरफेसेस। तो स्टूडेंट्स आज की जो वीडियो थी उसमें कुछ बेसिक्स हमने किया और कुछ क्वेश्चंस किए, हालांकि वो बेसिक्स नहीं थे क्वेश्चंस, थोड़ा सा लेवल कुछ ज़्यादा था, उससे पहले कुछ इजी क्वेश्चन भी हम कर सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि आप 11 ट्वेल्थ में बहुत अच्छे से इसको करके आए हो, फिर भी करवाऊंगा, थोड़े थोड़े क्वेश्चन साथ साथ में चलते रहेंगे, कुछ ईजी, कुछ थोड़े से टफ, कुछ और टफ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ऐसे ही चलता रहेगा। एट प्रेजेंट इन अ वीक 4 टॉपिक्स मैं एक साथ लेकर चल रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक जैसे कि मैंने पहले बताया था, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो हायर क्लासेस में आती हैं, थर्ड ईयर या एमएससी का चैप्टर टॉपिक है, फिर वेक्टर कैलकुलस जो आप लोग देख ही रहे हैं, या फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का कुछ पोर्शन साथ में चल रहा है, और साथ में चल रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस का, तो सभी टॉपिक्स एक साथ चल रहे हैं, लेकिन सबके लिए मैंने प्लेलिस्ट अलग रखी है, तो जो स्टूडेंट्स जिसको जो रिक्वायरमेंट हो उस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर तो अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी उसके उसके यूज़ की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन उसको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो बने रहिएगा इसी तरह से इस यूट्यूब चैनल के साथ, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।